बेगूसराय में चोरों ने वैष्णवी ज्वेलर्स को अपना शिकार बनाया और उसमें नकदी समेत लाखों रुपए के गहने चोरी करके फरार हो गया। ये घटना मुख्य बाजार के नौरंगा पुल की है। शनिवार की रात चोरों ने वैष्णवी ज्वेलर्स की दुकान के पीछे का दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गया। इससे व्यवस्थाओं में हड़कंप मच गई। रविवार की सुबह दुकानदार जब अपनी दुकान खोलकर अंदर पहुंचे तो अपनी दुकान को देखकर हक्का बक्का रह गए और देखा कि पीछे दीवार टूटी हुई है, जिसमें छोटे छोटे बैग में रखे जेबरात भी इधर उधर फेंका हुआ है। इस दृश्य को देख दुकानदार के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। दुकानदार रघुवीर शाह ने बताया कि दुकान के पीछे दीवार तोड़ कर चोरों ने अंदर प्रवेश किया और सारे जेबरात चोरी कर लिए। पुलिस चोरी की गई जेबरात और नकदी का आकलन कर रही है। चोरी की घटना मिलते ही आसपास के लोगों और व्यवसाय में वहां जमा हो गए। व्यवसाय ने घटना बढ़ते हुए पर आक्रोश व्यक्त किया है। जानकारी मिलते ही नगर थाने के पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट चुकी है। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार की रिपोर्ट। पीछे से दीवार तोड़ के घुसा और जितना भी चांदी का सामान था टोटल सामान तोड़ के निकाल दिया। लगभग 1.5 से 2 लाख का है। प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आया और वो अपना काम में लगे हुए हैं। प्रशासन अगर चाहेगा तो जरूर मिल जाएगा। इससे पहले भी एक सप्ताह पहले भी नगर पालिका चौक के पास ऐसा ही घटना हुआ, सेम वही घटना ही भी है। तो क्या लगता है बेगूसराय प्रशासन किस तरह एक्टिव नहीं है? अगर चाहेगा प्रशासन तो जरूर मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? रघुवीर शाह।